हमारे और आपके हाथ में अगर कुछ है तो वो है कर्म। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से एक नई कहानी में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है और जो देश होता है वो बहुत ही कम शक्तिशाली, बहुत ही कम सैनिकों वाला देश होता है। जैसे ही उस देश पे आक्रमण होता है, उस देश का जो योद्धा होता है सभी सैनिकों को बुलाता है, जो कि बहुत ही कम संख्या में होते हैं, फिर भी अपने सैनिकों को बुलाता है और कहता है हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पे देश ने जिस आक्रमण किया है, जिस देश ने हम पे आक्रमण किया वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, हमसे कई ज़्यादा सैनिकों वाला और कई ज़्यादा हथियारों वाला है, लेकिन हमें तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो समुद्र के रास्ते से, जहाज से, वो जितने भी सैनिक होते हैं योद्धा के सहित, वो लोग जा रहे होते हैं, जाते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे युद्ध होना होता है। जैसे ही वो उस स्थान पर पहुँचते हैं, उस देश का योद्धा कहता है कि ये जो जहाज़ है ना, उसमें आग लगा दो। सभी सैनिक सोचते हैं कि आखिर ये क्यों कह रहे हैं आग लगाने, लेकिन उन लोगों के पास ऑप्शन भी कुछ नहीं होता है। आखिर योद्धा का आदेश होता है तो उन्हें मानना ही पड़ता है, और वो लोग जो इतने सैनिक होते हैं उस जहाज़ में आग लगा देते हैं। जहाज़ में आग लगाते ही, वैसे जैसे ही वह रणभूमि में पहुँचते हैं, उन देश के योद्धा कहते हैं कि जिस जहाज़ से हम आए थे उस वह जहाज़ तो जल के राख हो गया। जिस जहाज़ पे हम आए थे वह जहाज़ तो जल के राख हो गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है और वो है लड़ाई करना और लड़ाई करके जीतना। और वो लोग पूरी निष्ठा से युद्ध करते हैं और अपने से 10 गुना शक्तिशाली देश को हराकर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये कहानी हम जीवन में यही सिखाती है कि जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, तो आप उस चीज़ को पाने की पूरी निष्ठा से पाने के लिए मेहनत करोगे। हमारा जो मेहनत है वो ज़रूर फल लाता है, इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटिए, हमेशा मेहनत कीजिए। मेहनत के दम पर इंसान किसी को भी हरा सकता है। अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।